दोस्तों पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। इस समय हर कोई परेशानी का सामना कर रहा है, लेकिन दूसरों की परेशानी को अपना समझने वाले एक एक्टर रियल हीरो बनकर देश के सामने आए हैं और उनका नाम है सोनू सूद। आज हर किसी की जुबान पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। महाराष्ट्र से हजारों प्रवासियों को उनके घर गांव तक पहुंचाने के बाद एक बार फिर से सोनू नेक काम करने जा रहे हैं। रूस के पास किर्गिस्तान में फंसे भारत के छात्रों में झारखंड और बिहार के 20 मेडिकल छात्रों के लिए आखिरकार उम्मीद की किरण जागी है। झारखंड के छात्रों में से एक सद्दाम खान ने खुलासा किया कि बॉलीवुड स्टार सोनू सूद बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी और सामाजिक कार्यकर्ता रेखा मिश्रा के प्रयासों को अब दिखने लगा है और वहां से वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मेडिकल छात्र सद्दाम ने ट्वीट कर कहा, हम किर्गिस्तान के एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेडिकल की डिग्री हासिल करने में 3000 भारतीय छात्रों की मदद करने के अपने सामूहिक प्रयास के लिए सोनू सूद, कुणाल सारंगी और रेखा मिश्रा को धन्यवाद देते हैं, जो इस वैश्विक महामारी कोविड-19 द्वारा सबसे अधिक प्रभावित कई देशों में से एक हैं। सद्दाम ने अपने ट्वीट में कहा, हमें बचाने और हमें निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सोनू सूद ने हमें इस बात का दिलासा दिलाया कि हमें अपनी भारत यात्रा के लिए कोई उड़ान शुल्क भी नहीं देना होगा। दोस्तों आपको बता दें, कुणाल सारंगी ने बताया कि उन्होंने झारखंड और बिहार के लगभग 20 सहित 3000 भारतीय छात्रों के दूरदर्शक को ट्वीट कर किया था। उन्होंने इस ट्वीट को करते हुए विदेश मंत्रालय और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था। इस वीडियो को देखने के बाद सोनू सूद ने उनसे संपर्क किया और छात्र की वापसी के लिए प्रयास किया। दोस्तों आपको सोनू सूद का ये काम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।